वेलकम फ्रेंड, आपकी एक नई उम्मीद के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी जीरो लेवल की क्लास के साथ। जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू हो चुकी है, एक ऐसी क्लास जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर दिन सुबह 5 बजे भोर में आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास जनवरी और दिसंबर में भी होती थी और पढ़ने वाले पढ़ते थे। अब तो आ गया फरवरी, आपका वसंत है ना, हो भी चुका। देखिए, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एडिशन, यानी कि जोड़। वो भी किसका? फ्रैक्शन का, यानी कि भिन्नों का। ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा, गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी पूरा देखिएगा। 10-5 मिनट जो भी क्लास होगी, वैसे तो आपकी क्लास अमूमन 40-45 मिनट की होती है, लेकिन इस समय मात्र 10 मिनट में काफी कुछ आप सीख रहे हैं। 10 से 15 मिनट, देखिए आप मात्र हमें 10 से 15 मिनट दे दीजिए हर दिन, हम आपको गणित सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। 1/2 में 3/2 जोड़ना है, इसका मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे सभी लोग, अगर ऐसे लिखा है तो इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में डेनोमिनेटर, यानी ऊपर की गिनती को अंश, नीचे को हर बोलते हैं। अगर किसी भिन्न का, किसी भिन्न का नहीं, किसी दो भिन्न का अंश अंश बराबर है तो हर हर को जोड़ लेते हैं सीधा सीधा, उसमें कोई तिकड़म नहीं करते। तो जोड़ लेंगे, 1 में 3 जुड़ जाएगा, नीचे जो अंश है तो उसको ऐसे लिख देंगे, 3 1 जुड़ के हो जाएगा 4, और ये 4/2 उत्तर आ जाएगा। देखिए, इसको काट के हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में 4/2 दिया था, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, ए ऑप्शन हो गया। लेकिन इसको चाहे तो हम काट के 2 लिख सकते हैं, अगर इसमें कोई ऑप्शन 2 है तो ठीक है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन होगा कंप्लीटली वो 2 ही होगा, ठीक है ना। इसका 2 जो है वो पूरा पूरा उत्तर होगा। अगला देखिए, इसमें भी बराबर है नीचे नीचे का, तो ऊपर ऊपर का जोड़ लेंगे, 3 में 9 जोड़ लेंगे, नीचे 7 वैसे लिख देंगे, 9 3 हो जाएगा 12, और नीचे 7 12/7 हो गया। सिंपल सा है, कितना आसान है ना, लेकिन नीचे नीचे का बराबर होना चाहिए तभी ऐसा होता है। अगर ये ना बराबर हो तो क्या होगा, उसको भी आप लोग देख लें फटाफट, जल्दी से चलते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखिए, तुरंत देखिए, देखिए अब इन सवालों में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें अंश अंश जो है या हर हर कोई भी बराबर नहीं है। देखिए, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 11, इसमें 7 है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, काफी लोगों को बहुत दिक्कत होती है भाई। ये भी मेरी सिंपल सा है, इसमें 2 तरीका होता है, दोनों देखिएगा। एक तो आप छोटी गिनती अगर है तो क्रॉस मल्टीपल कर ले, 2 का गुणा 1 में तो 2 1 2, 7 का गुणा 3 में, बीच में धन था धन लगा करके, 7 का गुणा 3 में 7 3 21, ठीक ना, और फिर 7 का गुणा 2 में 7 2 14, समझ गए कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है। देखिए इधर दिखा देता हूं, 1/7 3/2, यही है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसे करना है, यानी कि 2 का गुणा 1 में। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, 3 का गुणा 7 में, क्लियर। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, इसी 7 का गुणा 2 में कर देना, या फिर 2 का 7 में, मतलब ये क्या हुआ, समझ गए ना। तो ये 3 स्टेप हुआ, जोड़ लेंगे, 21 2 हो जाएगा 23 23, बटा ये नीचे 14 है तो 14 हो गया, कट पिट जाए तो काट दीजिए, लेकिन ये कटेगा है नहीं किसी गिनती से, तो ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हम इस सवाल में बताएंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं फिलहाल। देखिए, इसका हम छोटा गिनती कर दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, मानते हैं 5 कर दिया, बड़ा भी करेंगे लेकिन बाद में। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का। देखिए, ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका देख लीजिए, अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करिए, इसको देखना है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख ले, ठीक है। 7 5 का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 35। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती एलसीएम निकालने की बिना लगाए, तो आप कमेंट करिएगा, आपको हम वीडियो दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, 35 होगा एलसीएम, नीचे इसको 35 ऐसे लिख देंगे, क्लियर। अब जो 35 एलसीएम आया था ना बाबू, इसमें क्या करेंगे, इसी 35 में इसके हर से भाग करेंगे, तो जो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, भागफल 7 आएगा। तो जो 7 आया है, इस 7 का गुणा इस 3 में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एलसीएम करेंगे, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में इससे भाग करेंगे, यानी कि पहले दिन के हर से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उस भागफल का गुणा पहले दिन के अंश में करेंगे, तो 7 3 21, क्लियर। बीच में प्लस था तो प्लस। अब वही प्रक्रिया, वही सारा कार्यक्रम क्रियाकलाप उसमें भी करेंगे,
सात से भाग करेंगे 35 में, तो सात से अगर 35 में भाग करेंगे तो सभी जानते हैं 7 × 35 पांच आता है ना, तो जो ये पांच आया इसका गुणा इसके 9 में करेंगे जैसे इसमें किया था ना भाई, तो 5 × 9 हो जाएगा 45। और नीचे 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 क्या होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, इसको एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे आप, बस ये हो गया 45। सही सही लिखिए अच्छे से, बस जोड़ दीजिए, हो गया उत्तर। ये एलसीएम मेथड है, 5 में 1 जुड़ गया 6 × 4 = 2 6/35। इसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 35 में 21 लिख के कोई बुराई नहीं है इसमें, जहां जैसे जोड़े उतने आएगा, ठीक है ना। तो ये दो मेथड हो गया। अब हम आपको फिर से दो सवाल और बताएंगे इन्हीं मेथड पे, कमेंट करिएगा आपको पहला मेथड अच्छा लगा या फिर एलसीएम वाला। अगले दो सवाल आपके सामने आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिए इनके मान क्या आएंगे, 7/2 / 1/2 जो भी दिया गया फटाफट बताएं। देखिए ये दूसरी बैच चल रही है आपकी, पहली बैच में कक्षा 7 तक की गणित पूरा हो चुकी है, पहली बैच कक्षा 7 तक की गणित लगभग पूरा हो चुकी है, उसमें जो कुछ होगा आगे चल रहा धीरे धीरे। ये दूसरी बैच है जो कि आप देख रहे हैं इस समय, 8वां 10वां भाग होगा जो भी है ना, तो आप पहली बैच के वीडियो को देख लें, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें भी यही पढ़ाया गया है, थोड़ा सा उसमें कुछ अलग था इसमें कुछ अलग है, ठीक ना। देखिए क्रॉस मल्टीपल मेथड से पहले करेंगे इसको हम, तो 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, बीच में धन था धन हो गया, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, नीचे बड़ी सी लाइन 7 का गुणा 9 में तो 7 × 9 = 63, क्लियर। 14 में जब 9 जोड़ेंगे तो 14 × 6 = 20 × 3 = 23 / 23/63 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही कहलाएगा, क्लियर। एलसीएम मेथड में देखो बाबू भाई, पहले क्या करेंगे 15 और 9 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालना सभी को आता है, नहीं तो मैं यहाँ पर काट के दिखा देता हूँ चुपके से, 3 × 9 = 15, 3 × 1 = 3, 5 × 5 = 5, 3 × 9 = 45, एलसीएम आ जाएगा 45। यहाँ पर हम एलसीएम की बात नहीं करेंगे, अगर एलसीएम नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा बताएंगे। तो 45 में क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे 45 में तो 5 आएगा, करके देख लीजिएगा, 9 × 5 = 45, और जो 5 आया उसका 8 में गुणा करेंगे तो 5 × 8 = 40 धन, 15 से भाग देंगे 45 में तो 15 × 3 = 45, और जो 3 आएगा ना उसका 5 में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये 65/45 आ जाएगा। 65/45 तो कोई ऑप्शन है नहीं, काट दीजिए, 15 कटेगा 15 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, बिल्कुल 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, और ये 5 × 9 = 45, 13/9 आएगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्लियर। जल्दी से नोट कर ली, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहाड़ा याद करने की ट्रिक हमने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा अगली क्लास में, अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आपने जोड़ देख लिया वैसे अब आपको हम घटाना भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा घटाना, बिल्कुल सिंपल सा वही तरीका है सब कुछ, जहां इसमें जोड़ देते थे वहां इसमें घटा देंगे। देखिए अंश अंश क्या बोलते हैं, हर हर बराबर है, तो 9 − 5/2 ऐसे लिख देंगे, 9 में से 5 घटाएगा तो 4/2 आ जाएगा, बस उसमें होता था जुड़ जाता था, इसमें है तो घट जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। एलसीएम वाला मेथड देखिए, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, नीचे 10 लिख देंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 का 9 में गुणा 45 हो जाएगा, फिर उसी 10 में इस 5 से भाग करेंगे, यानी एलसीएम में 5 से भाग करेंगे, एलसीएम आया था 10 तो 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, 2 आएगा, और 2 का गुणा 7 में 2 × 7 = 14, इसी को घटा दीजिए 5 में से, ये 31/10 आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे आ गया भाई, तो ये ऐसे आ गया, ऐसे 31 है ना, नोट कर लीजिए, इसके आगे देखेंगे गुणा और भाग, अगली क्लास में जरूर देखिएगा। देखिए आपकी क्लास छोटी होती है इस समय, लेकिन बहुत कुछ टॉपिक शामिल होता है, जल्दी हम ये क्लास आपकी 1 घंटे की करने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्लास को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप गणित सीख सकें, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें अकेडमी पर फॉलो करें, मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ को आसान बनाएं, पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा आपकी एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए आपने बहुत कुछ देख लिया होगा सीख लिया होगा, तो अपने विचारों को कमेंट करिएगा, आपको ये क्लास क
कैसी लगी, क्या महसूस किया आपने, क्या कुछ काम किया या नहीं?